मोहम्मद शमी का बड़ा बयान, कहा आजकल खिलाड़ियों पर सवाल उठाने के पैसे मिलते हैं। नमस्कार। न्यूजीलैंड दौरे पर जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। टी20 सीरीज में बुमराह महंगे साबित हुए, वहीं वनडे सीरीज में उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। वनडे सीरीज में जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन पर कई दिग्गजों ने सवाल खड़े किए, जिसके बाद अब मोहम्मद शमी ने सभी को जवाब दिया है। मोहम्मद शमी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कुछ लोगों को सिर्फ आलोचना करने के ही पैसे मिलते हैं। मोहम्मद शमी ने बुमराह का बचाव करते हुए कहा, किसी भी खिलाड़ी की बाहर बैठकर आलोचना करना आसान है, लेकिन वापसी करना इतना आसान नहीं होता। आजकल लोग खिलाड़ियों की आलोचना कर पैसा कमा रहे हैं। शमी ने आगे कहा, बुमराह ने जो देश के लिए किया वो आप कैसे भूल रहे हैं। ये सही है कि लोग बुमराह के बारे में बात करें, लेकिन महज 3 या 4 वनडे मैचों के बाद ही आप निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। आपको सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे खिलाड़ियों को फायदा होता है। शमी ने आगे कहा, जब आप कुछ मैचों में अच्छा नहीं करते तो लोग बहुत अलग तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं और उनका आपके बारे में रवैया बदल जाता है, इसलिए हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। बता दें, बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में एक भी विकेट नहीं लिया था। ऐसा उनके करियर में पहली बार हुआ जब उन्हें सीरीज में कोई सफलता नहीं मिली। सिर्फ बुमराह ही नहीं, भारत के दूसरे गेंदबाजों का प्रदर्शन भी वनडे सीरीज में खराब रहा था, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ने भारत का 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया था। वनडे सीरीज में जसप्रीत बुमराह की लय खराब थी, लेकिन न्यूजीलैंड 11 के खिलाफ उन्होंने अपनी धार वापस पा ली है। न्यूजीलैंड 11 के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट चटकाए। बुमराह ने 11 ओवर में महज 18 रन ही दिए। बुमराह के अलावा मोहम्मद शमी ने भी गजब की गेंदबाजी करते हुए महज 17 रन देकर 3 विकेट लिए। उमेश यादव और नवदीप सैनी ने भी 2 और 2 विकेट चटकाए। भारतीय तेज गेंदबाजों के इस प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड 11 की टीम महज 235 रनों पर सिमट गई। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 7 ओवर में 69 रन बना लिए थे। पृथ्वी शॉ 25 गेंदों में 35 और मयंक अग्रवाल 17 गेंदों में 23 रन बनाकर नवाज थे। भारतीय टीम को 87 रनों की बढ़त हासिल हो गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।